नमस्कार, खबरें 24 में आपका स्वागत है। मैं ललित लेकर हाजिर हूँ आज की ताजेतरीन खबरें। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस पर, जो दिन भर रहेंगी सुर्खियों में। श्रीराम पिस्टन और भारत विकास परिषद के द्वारा टपुगड़ा में लगाया गया रक्तदान शिविर। धारड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया गया अनावरण। धारड़ा सेक्टर 6 में मूकबधिर बच्चों के लिए निःशुल्क खोला गया स्कूल। और अब खबरें विस्तार से। श्री राम पिस्टन और भारत विकास परिषद के द्वारा टपुकड़ा के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रोकलैंड अस्पताल के साथ बड़े डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं प्रदान की, जिस पर पेश है एक रिपोर्ट। रविवार सुबह 11 बजे टपुकड़ा में नोला मंदिर प्रांगण में श्री राम पिस्टन के द्वारा विशाल जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिविर का काफी संख्या में लोगों ने फायदा उठाया। यही उद्देश्य है कि हम हर कर्मचारी को स्वस्थ देखना चाहते हैं और कम्युनिटी के लोग, समाज के लोगों को स्वस्थ देखना चाहते हैं। इसी संदर्भ में हम समय समय पर हेल्थ की जांच के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करते रहते हैं। कभी भिवाड़ी में करते हैं, कभी टपुगड़ा में करते हैं, कभी रेवाड़ी में करते हैं। जो भी जहाँ भी हमारे कर्मचारी रहते हैं, उनके स्वास्थ्य की जाँच और उनके जो समाज के लोग हैं उनकी बहुत जरूरी है। और पहला सुख निरोगी का है इसी संदर्भ में। और क्या क्या फैसिलिटीज आपने कैंप में? एक बच्चों का डॉक्टर आया है, महिला की डॉक्टर्स हैं, प्लस फिजिशियंस हैं जो आपके स्वास्थ्य के बारे में, जनरल फिजिशियंस हैं जो आपको देंगे। और जो दवाएं हैं वो मुफ्त दी जाएंगी दो चार दिन के लिए, जो इमीडिएट रिलीफ के लिए। जांचें भी हैं निःशुल्क। देखिए, हम बहुत धन्यवाद करते हैं ऐसी कंपनियों का जो समाज के उत्थान में, चाहे शैक्षिक हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, कल्याण के कार्यक्रम हो, दो कदम आगे लेती है। माना कि भारत सरकार का कानून है, लेकिन केवल सुहृदय कंपनियाँ ही ऐसा कार्य कर रही हैं। भारत विकास परिषद टपुकड़ा ने सौजन्य से श्री राम पिस्टन और यहाँ के समाज सेवी लोगों ने यहाँ पर जो कैंप आयोजित किया है, उसमें रॉकलैंड के ख्याति नाम डॉक्टर्स आए हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ, बच्चों के विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ दिन भर रहेंगे। निःशुल्क शुगर ECG की जांच होगी, निःशुल्क 3 दिन की दवा दी जाएगी। मैं समझता हूँ लगभग 200 लोगों को लाभ होगा। और इसके साथ साथ जो डॉक्टरों ने यह भाषण दिए बीमारियों की रोकथाम के बारे में, इस प्रयास का हम वंदन करते हैं, बढ़ाई करते हैं, कंपनी मैनेजमेंट की बढ़ाई करते हैं, परिषद के अध्यक्ष और संरक्षकों की बढ़ाई करते हैं। ऐसे कार्य होते रहने चाहिए। कैंप लगाया मेरे ख्याल से कंपनी की तरफ से पहला बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जैसे हमने सुबह से हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इसमें ये देखने में आया कि जो बच्चों का और महिलाओं की तरफ से ज़्यादा इसमें भागीदारी आ रही है। तो ये लग रहा है कि मतलब गांव में जो बच्चों को और महिलाओं को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो उनको जागरूकता के लिए ज्ञान मिलना चाहिए, वो इस कैंप से पूरा फायदा लेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर धावड़ा से। धावड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र के काफी लोग एकत्रित हुए। दारुवेड़ा में रविवार को बिजली मंत्री अजय यादव के द्वारा डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अनावरण की पावन बेला पर पंजाब से आए कलाकारों के द्वारा अंबेडकर साहब के जीवन पर अद्भुत प्रस्तुति पेश की गई। दूसरी ओर धारड़ा सेक्टर 6 में मूकबधिर बच्चों के लिए निशुल्क स्कूल खोला गया, जिस स्कूल में मूकबधिर बच्चों को तालीम दी जाएगी, जिस पर पेश एक रिपोर्ट। रविवार सुबह मूकबधिर बच्चों के लिए स्कूल का उद्घाटन किया गया, जो ना बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं।
उद्घाटन कैप्टन अजय सिंह यादव के द्वारा किया गया। समारोह पर काफी गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। देते रहेंगे, जैसे कि हमने फरीदाबाद में, गुड़गांव में, मैं फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली की संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ। हमने एक अल्कोहलिक अनोनिमस, एक वर्ल्ड वाइड संस्था है, उसके तहत भी एक हमने अपना, जैसे कि आप सुनते होंगे कि नशा मुक्ति केंद्र, तो उसको हम रिहैबिलिटेशन सेंटर बोलते हैं, तो बत्रा हॉस्पिटल के सामने स्टार्ट किया था। आज वो एक बड़े अच्छे लेवल के ऊपर चला गया, उसमें भी मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ और साथ में आज डॉक्टर साहब हैं। तो देखिए, जब समाज के कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति, डॉक्टर साहब को मैं देखता हूँ कि जब भी मैं किसी प्रोग्राम के अंदर एज ए चीफ गेस्ट या स्पेशल गेस्ट जाता हूँ, ये हमेशा साथ में रहते हैं और इनका तन मन धन तीनों चीज़ों से योगदान मैं देखता हूँ। तो मैं तो यही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करूँगा कि वो लोग हमारी संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दें, तन मन धन किसी भी तरीके से हमारे साथ रहें, यही मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। थैंक यू जी सर। सर्वप्रथम तो नवदिशा सोसाइटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत ही ऐसा कार्य है कि ये आरंभ होने जा रहा है, जिसकी दारूडा क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, और यहाँ के जो इस तरह के बच्चे हैं जिन्हें स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है और जो समाज में एक अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, समाज के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हें सिद्धरावली या भिवाड़ी जाना पड़ता था, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। और मैं इसकी शुभकामना करता हूँ कि ये स्कूल दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें और समाज में अपना प्रयास जो अजीत भाई के साथ मिलकर ये संस्था ने शुरू किया है, ये नई ऊँचाइयाँ छुए। पिछले 5 वर्षों से नवदिशा स्पेशल स्कूल को सिद्धावली गांव में रन कर रहे थे, जहाँ की हम लोगों को अप्रोच नहीं कर पा रहे थे किसी कारणवश, और हमें मौका मिला है एक अजीत वीर जी के जो है सहयोग से कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में अप्रोच कर सकें। तो मैं चाहूँगा कि अजीत वीर जी इस संस्था को एक बहुत ऊँचाइयों तक ले जाए और जो बच्चों को इनका लाभ नहीं मिल पाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिले, ये मेरी शुभकामना। खबरों का सिलसिला बना रहेगा, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, बने रहें हमारे साथ। बिजली, पानी, गंदगी, समस्याएं आपके वार्ड की, आपके घर भी आ सकती है खबरें 24 की टीम, थाने आपकी समस्याएं। खास प्रोग्राम भिवाड़ी की आवाज। आप अपनी समस्याओं के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 1। के बाद आपका स्वागत है। रविवार सुबह मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा नव निर्मित कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिस पर पेश एक रिपोर्ट। आज हमारे यहाँ अपने भिवाड़ी के निजी जितने भी शिक्षण संस्थान थे, उन सभी की उपस्थिति में आज नई कार्यकारिणी का जो है गठन किया गया। अभी पिछले महीने 25 जून को सभी स्कूल वालों ने मिलकर के मुझे दीवान सिंह नागर को अध्यक्ष जो है मनोनीत किया था। आज जो है उसी कड़ी को आगे करते हुए हमने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया है। इस कार्यकारिणी का या हमारे संघ का जो उद्देश्य है कि सभी जितनी भी अपनी भिवाड़ी में निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, उन सभी की जो भी सामूहिक समस्याएं हैं, उन सभी पर जो है विचार विमर्श करना है और सरकार के सामने जो भी हमारी जो समस्याएं हैं, अपनी मांगों को जो है रखना है। मैं जो है 25 जून को ही जो हमारी जो मीटिंग हुई थी कि जो हमारी जो पहली कार्यकारिणी थी, उस कार्यकारिणी का समय जो है पूरा हो गया था, और समय पूरा होने के बाद फिर दोबारा से जो है इलेक्शन की जो प्रक्रिया थी, उसमें जो है अध्यक्ष का जो है केवल जो है उस दिन चुनाव किया गया था। और आज जो है अपनी कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण जो है समारोह, स्थिति जो है हमारी इस समय 70-75% उपस्थिति जो है रहती है।
अधिकतर जो है स्कूल वाले मान लीजिए किसी भी कारण से कोई प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं आ पाते हैं, वो कॉल कर देते। निजी शिक्षण संस्थान का अध्यक्ष होने के नाते मैं जो है सभी स्कूल वालों से ये कहना चाहूँगा कि वो जो है शिक्षा के प्रति जो अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को जो है पूर्ण करें, और बच्चों में भी जो है आज के जो है शिक्षा के अनुरूप जो है उनमें जो है जागरूकता जो है फैलाएं, और शिक्षित समाज ही जो है इस देश की दशा को जो है बदल सकता है। अगली खबर दावड़ा से। दावड़ा अलवर बाईपास रोड पर स्थित टेरा ग्रीन के सोसाइटी के लोगों को रस्ते की समस्या आई, जिसको लेकर सोसाइटी निवासियों ने अपनी समस्याओं का प्रदर्शन किया। यहाँ पे जब आए थे सबने मिलके जेनेसिस बिल्डर से हमने जेनेसिस ग्रीन के लिए अपना फ्लैट बुक कराया था, और यहाँ पे दो सोसाइटीज़ हैं, एक जेनेसिस गार्डिना और दूसरा था जेनेसिस ग्रीन। जेनेसिस ग्रीन में हमने फ्लैट बुक कराया है, लेकिन हमें सैंपल फ्लैट जेनेसिस गार्डिना ने दिखाए गए हैं, और ये रोड 30 मीटर का इन्होंने हमारे को शो किया हुआ है ब्रोशर में कि ये हमारे को उस मेन रोड के साथ जोड़ के हमारे को रास्ता दिया जाएगा, और ये आपकी दोनों सोसाइटियों को जो मेन रास्ता होगा। लेकिन हमारे को पोजेशन दी गई है, और उससे पहले इनका बिल्डरों में आपस में पार्टनरशिप में कुछ दरार आ गई है, इन्होंने हमारा नाम भी चेंज कर दिया, और ऊपर से हमारे आगे वहाँ गार्डिना और ग्रीन के बीच में वो एक दीवार दे दी है, और हम बाहर नहीं आ सकते, और हमें ये रोड मिल नहीं रही है, और हमारे बच्चों को स्कूल जाने की परेशानी है, और हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है इनके मालिक ललित जी और पंकज जी से, लेकिन किसी ने भी एक बार भी इंसानियत के नाते भी ये तर्स भी नहीं खाया कि हमारी एक कॉलोनी के बच्चे अगर जहाँ से जा सकते हैं तो वो कॉलोनी कोई दुश्मन नहीं है, हमारे को पाकिस्तान के बॉर्डर बना के इन्होंने लग कर दिया है। वाई हम राजस्थान में रहते हैं लेकिन हमारे को राजस्थान का रास्ता नहीं है। रात के टाइम हम शहर से आते हैं तो वैसे सेफ्टी का रिस्क है, और गैस के लिए आज गई तो अकेले जाना पड़ा और वहाँ से गोदाम से उठा कर लाना। उन्होंने क्या बोला था आपको भाई? और होम डिलीवरी नहीं करेंगे। क्यों क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज यहाँ पे इस तरफ राजस्थान का रोड नहीं है, इस तरफ के लिए यहाँ सारा बंद पड़ा हुआ है, उस तरफ हरियाणा दूसरे रास्ते से लाते। मैं तो ये ऑटो बुक करके इस तरफ से ही लेते हैं, ऑटो वाले भी नहीं, ऑटो वाले अभी अपना एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, प्राइवेट चार्ज लेते हैं। इस रास्ते से हमें मार्केट जाना पड़ता है, और रात में करीब 9 या 10 बज जाते हैं, वापस आने में बहुत ही डर लगता है लेडीज के साथ में, और बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है इस रास्ते की वजह से। आज जानकर बड़ा ताज्जुब होता है कि जिसमें मैंने फ्लैट बुक कराया था उसका कोई रास्ता ही नहीं है। ये कारण है कि आज हमको ना कोरियर की सुविधा है कि कोई कोरियर आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसको रास्ता नहीं पता कि आ सके, कोई गैस के कनेक्शन का कोई रास्ता नहीं है कि गैस के कनेक्शन वाले गैस की सप्लाई होती हो, यहाँ पे गैस की सप्लाई के लिए मना कर देते हैं। स्कूल के बच्चों के जो स्कूल हैं उन्होंने मना कर दिया है कि हम गाड़ियों का व्हीकल हम यहाँ पर नहीं भेजेंगे, क्योंकि इधर की तरफ एवलोन के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हैवी ट्रक चलते हैं, कल को गाड़ी गिर जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो हम जवाबदार नहीं होंगे, और बाकी परिवार को भी हमको जवाब देना है। इसके अलावा आज हम भी इधर की तरफ से जो आते हैं एवलोन का रास्ता है पीछे की तरफ से, जो एवलोन का पर्सनल रास्ता है वो एवलोन ने हमारे से शायद वुमेन सिंपति के नाम पे वो रास्ता खोल रखा है कि हम वहाँ से निकल जाएं, वो पर्सनल रास्ते से हम निकल के आते हैं, जो कि आने वाले टाइम में वो भी बंद कर सकता है। एवलोन के रास्ते में घुसने के बाद अगला रास्ता वो टूटा हुआ रास्ता नहीं कहना उसको, रास्ते की तोहिन होगी, उसमें से जिसमें से पैदल नहीं चला जा सकता उस रास्ते से हम जैसे तैसे निकल के हरियाणा के रास्ते से हम अपने घर तक आज की तारीख में पहुँच रहे हैं, लेकिन वो रास्ता कब किसी भी वक्त बंद हो जाएगा और कभी हम रात को यहाँ से निकले और घर नहीं पहुँच पाए तो उसका जवाबदार कौन होगा? वक्त तो चला है जाने का, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। श्रीराम पिस्टन और भारत विकास परिषद के द्वारा टपुकड़ा में लगाया गया रक्तदान शिविर। धावड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया गया अनावरण। धावड़ा सेक्टर 6 में मुकबधिर बच्चों के लिए निःशुल्क खोला गया स्कूल।
आज खबरों में इतना ही। मेरे साथ खबरें 24 की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।